पंधाना खंडवा से लोकायुक्त पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, पटवारी को 5,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। पंधाना तहसील में फिर लोकायुक्त की हुई बड़ी कार्रवाई। पंधाना तहसील के पटवारी हल्का नंबर 50 के ग्राम जामली कला के निवासी राकेश मौर्य से पटवारी चिंताराम पटेल द्वारा नामांतरण बंटवारे हेतु पैसों की मांग की, जिसके एवज में फरियादी राकेश मौर्य ने 2500 रुपये पहले दे चुका था, पर राकेश मौर्य ने बाकी रुपयों देने से पहले पटवारी की वॉइस रिकॉर्डिंग कर लोकायुक्त इंदौर को भेजा, जिस पर इंदौर लोकायुक्त के पटवारी को 27 सितंबर को ग्राम जामली कला में 5,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत कार्रवाई हेतु छैगांव माखन थाना लेकर पहुंचे। इस आशय की जानकारी लोकायुक्त प्रभारी सुनील उइके द्वारा बताया गया। सर, आज क्या कार्रवाई हुई है हल्का नंबर 50 पे, थोड़ा बताएं। हमारे आवेदक हैं राकेश कुमार मौर्य, इन्हें 20/9/2021 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को शिकायत किए थे कि 36 एकड़ ज़मीन जामली कला तहसील पंधाना में उनकी है, और उस ज़मीन के बंटवारे और नामांतरण के लिए उनके और उनके भाई के लिए जो ज़मीन थी उसके संबंध में पटवारी जो है चिंताराम पटेल, ये पटवारी हल्का नंबर 50 के हैं, तो इनके द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है। और इस संबंध में पहले ट्रिप मतलब कार्रवाई की गई, एक टेपिंग जी वॉइस रिकॉर्डर भेजा गया। वॉइस रिकॉर्डर भेजने के बाद में रिकॉर्डिंग होने के उपरांत आज दिनांक 27/9/2021 को 5,000 की रिश्वत लेते हुए उनको रंगे हाथ पकड़ा गया है जामली कला से। मैं निरीक्षक सुनील उइके, मेरे साथ में टीम है निरीक्षक राहुल गजवीय, विजय कुमार, पवन पटूरिया, आशीष कुमार और अन्य टीम और है। कहाँ, इंदौर से सर? हाँ, इंदौर लोकायुक्त से। मेरा नाम राकेश सिंह मौर्य, जामली कला का निवासी। पिता का नाम उदय सिंह मौर्य। पटवारी जी ने मेरे से रिश्वत दो पैसे की मांग की गई, ऋण पुस्तिका बनाने के लिए हल्का नंबर 50 तहसील पंधाना जिला खंडवा। तो आज मैंने उनको 2500 रुपये पहले दे चुका था। आज लोग आयुक्तों को बताया गया कि भाई आज और मैं साहब 5,000 दूंगा, तो उनको बताया गया उसे चलते अनुसार उनको रंगे हाथ पकड़ा गया। खबर भारतवर्ष के लिए पंधाना खंडवा से विशाल पटेल की रिपोर्ट। अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।